हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाऊंगा अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, या इसका दूसरा नाम है बिलासपुर यूनिवर्सिटी। तो अभी मैं हूँ नेहरू चौक के पास, और नेहरू चौक से हम जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। ये है नेहरू चौक। हम जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में। अभी अभी वो कैंपस बन के तैयार हुआ है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी पुराने हाई कोर्ट बिल्डिंग में चल रहा था, फिर उसे पुराने हाई कोर्ट बिल्डिंग से नए कैंपस में शिफ्ट किया जा रहा है। वीडियो में हम अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ डिटेल्स भी जानेंगे। और ये है अरपा नदी। और ये सामने जो चौक है, ये है महामाया चौक। यहाँ से लेफ्ट लेने पे हम पहुँच जाएंगे महामाया मंदिर रतनपुर, इसीलिए इस चौक का नाम रखा गया है महामाया चौक। और ये है नेशनल हाईवे 130। नेशनल हाईवे 130 रायपुर बिलासपुर कटघोरा और अंबिकापुर को कनेक्ट करता है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी 2012 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। पहले बिलासपुर में था गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, और छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना था, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली छत्तीसगढ़ स्टेट को। अब उस टाइम दो यूनिवर्सिटी में से एक को स्टेट यूनिवर्सिटी बनाना था, या तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर को स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता था, या फिर रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता था। लेकिन जो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर है, उसका कैंपस एरिया 650 एकड़ है, और रविशंकर यूनिवर्सिटी का एरिया लगभग 200 एकड़ है, तो वो काफ़ी छोटा पड़ता। इसी कारण से गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ये है ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि विश्वविद्यालय। इस तरफ कॉलेज है, कॉलेज और ऑडिटोरियम काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इस तरफ है एग्रीकल्चर कॉलेज का गार्डन। ठीक है, आते हैं अपन हिस्ट्री ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद स्टेट में, मतलब इस रीजन में, बिलासपुर और बिलासपुर संभाग के रीजन में एक यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट थी। इसके कारण 2012 में बिलासपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, और कुछ ही समय के बाद यह बिलासपुर यूनिवर्सिटी स्टेट का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बन गया, क्योंकि यहाँ लगभग 194 कॉलेज बिलासपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे। और इस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया गया था गांधी चौक के पास स्थित पुराने हाई कोर्ट में। यह है रामकृष्ण मिशन, वहाँ यूनिवर्सिटी को संचालित किया जा रहा था, लेकिन वो बहुत छोटा बिल्डिंग था, इसलिए नए कैंपस की रिक्वायरमेंट थी। तो नए कैंपस के लिए बिलासपुर यूनिवर्सिटी को कोनी में ज़मीन उपलब्ध कराया गया।
बिलासपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, जिसका एरिया कैंपस एरिया 200 एकड़ से ज़्यादा था, उसमें से लगभग 68.5 एकड़ बिलासपुर यूनिवर्सिटी को दे दिया गया। तो वहाँ पे होगा बिलासपुर, जीसी बिलासपुर के कैंपस से जो लिया गया एरिया है वहाँ पे बनेगा, बन गया है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और एकेडमिक बिल्डिंग, और दो और जगहों पे, एक है पीछे जो अपन रामकृष्ण मिशन का आश्रम देखे, उसके सामने 75 एकड़ का ज़मीन है, और सामने है आदर्श आईटीआई कोनी, वहाँ पे 50 एकड़ ज़मीन है। तो इन दोनों ज़मीन में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल और बाकी सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी या बिलासपुर यूनिवर्सिटी का सारा चीज़ एक ही कैंपस में नहीं होने वाला, ये तीन अलग अलग जगह पे होने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक बिल्डिंग्स जो होंगी वो होंगी जीसी बिलासपुर के बगल में कोनी थाना के जस्ट सामने, और जो हॉस्टल और कुछ और फैसिलिटीज़ जो होंगी वो होंगी एक पीछे रामकृष्ण आश्रम के पास, और एक होगा आदर्श आईटीआई जो दिल्ली का ही है, जो सामने में है, आदर्श आईटीआई के पास बाकी सारी फैसिलिटीज होंगी। थोड़े ही आगे में है आईटीआई, ये है आदर्श आईटीआई, ये जो कैंपस दिख रहा है आपको इस साइड में जो कैंपस है, ये कैंपस है आदर्श आईटीआई का, और ये एशिया का सबसे पुराना आईटीआई है, और आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा आईटीआई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू के टाइम इस एरिया का काफ़ी यूटिलाइज किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जीसी बिलासपुर का कैंपस। काफ़ी बड़ा कैंपस हुआ करता था जीसी बिलासपुर का, और इस कैंपस से काफ़ी सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को जगह प्रोवाइड किया गया। तो अभी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से छत्तीसगढ़ के 4 डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं, जिनमें है बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही। इन चारों ज़िलों के जो कॉलेजेस हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, और टोटल नंबर ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज है 87। पहले जांजगीर और रायगढ़ के भी कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड थे, और जांजगीर ज़िले बहुत बड़ा ज़िला हुआ करता था, बहुत बड़ा ज़िला मतलब पॉपुलेशन वाइज वो काफ़ी बड़ा था, और वहाँ बहुत सारे इंजीनियरिंग 60 प्लस कॉलेजेस थे, और वो सारे कॉलेज आते थे बिलासपुर यूनिवर्सिटी के अंडर। अब 2021 में रायगढ़ यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो चुका है, तो रायगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टार्ट होने से ये सारे कॉलेज रायगढ़ यूनिवर्सिटी में आने लगे हैं, और अभी 2022 में यहाँ से अपन चलते हैं अंदर कैंपस के, और ये है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का मेन गेट बंद है क्या, तो हम चलेंगे यहाँ से अंदर चलते हैं। तो मैं कह रहा था कि 2022 में छत्तीसगढ़ में 4 और ज़िले बने, और उनमें से है एक शक्ति ज़िला,
तो जांजगीर चांपा जो जिला है उसका सीमा स्टार्ट हो जाता है बिलासपुर से केवल 20 किलोमीटर में। बिलासपुर से 20 किलोमीटर दूर जाओ, लीलागर नदी क्रॉस करो और जांजगीर जिला स्टार्ट हो जाता है। और इन एरिया से, जैसे अकलतरा है, इन एरिया से रायगढ़ 100 किलोमीटर पड़ता है। तो इन सब जगह में जो जांजगीर ज़िले के कॉलेज हैं उनको बिलासपुर यूनिवर्सिटी में दे देना चाहिए, और जो शक्ति के कॉलेज हैं उनको रायगढ़ यूनिवर्सिटी में ही रखना चाहिए। तो ये है न्यू बिल्डिंग ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। एक गेट है यहाँ सामने, और ये सामने जो दिख रहा है वो है जीसी बिलासपुर। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो 25 तारीख को इस भवन का शिलान्यास किया गया है। भूपेश बघेल बिना यूनिवर्सिटी कैंपस विजिट किए लाल बहादुर शास्त्री से ही, स्कूल से ही इसका लोकार्पण कर दिए। तो चलिए अब चलते हैं हम यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग के अंदर। यह है मेन बिल्डिंग का मेन गेट। यहाँ पे है हेल्प डेस्क और यहाँ दो लिफ्ट लगे हुए हैं, दोनों तरफ दो दो लिफ्ट हैं। यहाँ है ऊपर जाने का रास्ता, और ग्राउंड फ्लोर पे है सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, और इधर है ग्राउंड फ्लोर पे ही कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, और उस एंड पे भी कुछ क्लासरूम्स हैं। और हम स्टेयर्स से ऊपर जाएंगे। यह है फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ भी है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस। इधर है क्लासरूम्स, काफ़ी बढ़िया बनाया गया है न्यू यूनिवर्सिटी को, न्यू कैंपस को। बहुत स्पेशियस है, और यहाँ से हम सीधे ऊपर चले जाएंगे सेकंड फ्लोर में। तो यहाँ कॉरिडोर है, और एक क्लासरूम का मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये है क्लासरूम, क्लासरूम भी काफ़ी अच्छा है, वेंटिलेशन की फुल फैसिलिटीज़ है, लाइट की कोई कमी नहीं है। कहीं भी दिन में हमें लाइट चालू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये है सेकंड फ्लोर, यहाँ भी काफ़ी सारे क्लासरूम्स हैं। यहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट है भी?
सब आ गया, लेकिन अभी क्या है नया नया भी आया है। अच्छा किसी का भी नाम नहीं, कोई सवाल नहीं रहता। अच्छा हाँ, काफ़ी अच्छे से बनाया गया है इस बिल्डिंग को, और आप देखेंगे कि इंडिया और वर्ल्ड वाइड सारी यूनिवर्सिटीज़ के बहुत अच्छे कैंपस टूर वीडियो रहते हैं, लेकिन बिलासपुर यूनिवर्सिटी इवन जीजीयू का भी कोई अच्छा कैंपस टूर वीडियो नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके भी कैंपस टूर का अच्छा वीडियो बनाया जाए। यहाँ है डिपार्टमेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी, और इस कैंपस में होने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस एंड एकेडमिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो, और हॉस्टल और बाकी सारी चीज़ें दूसरे कैंपस में होंगी। तो भी हॉस्टल वाला कहाँ पे बन रहा है? अच्छा भैया को जान। और ये जो सामने दिख रहा है ये है जीसी बिलासपुर का कैंपस। इसे जीसी बिलासपुर के लगभग 200 कुछ एकड़ में से 68.5 एकड़ लैंड बिलासपुर यूनिवर्सिटी के लिए अलॉट किया गया है।